गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। बताइए कौन से स्टॉक पे आप सवाल पूछना चाहते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई एम होल्डिंग सेल 5375 शेयर्स एट द रेट ऑफ 118 रुपए एंड गिफ्ट 2000 शेयर्स एट 4 रुपीस एंड दे आर ऑल इन अ ब्लैक क्लस्टर। सर दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? बीएफयू यूटिलिटीज 448 पे 2000 शेयर्स। अच्छा, बीएफयू यूटिलिटीज 448 पे, बहुत अच्छा है इसके बारे में, बट कोई रिस्पॉन्स अभी तक चल नहीं रहा। राइट सर, नो। अब मिड कैप्स में सर जिस तरह से गिरावट आई उसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें हो चुकी है, अक्रॉस बोर्ड मिड कैप्स में दिक्कत देखने मिली है, लेकिन नो डाउट बाउंस बैक में काउंटर जो है काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। चलिए आशीष जी से पूछ लेते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। केलकर जी, 118 पे सेल, बीएफ यूटिलिटीज 448 पे, क्या करना चाहिए इनको? शायद केलकर जी से केलकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हो, तो अनम्यूट का बटन दबा दीजिए प्लीज। आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ओके, देखिए बीएफ यूटिलिटीज ये जो स्टॉक है इसने 4 बार एक लेवल पे सपोर्ट लिया और वहां से बहुत ही बढ़िया उछाल इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। और उस स्टॉक का वो जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल जो 4 बार टेस्ट हो चुका है वो है 355 का। जब तक ये स्टॉक 355 के ऊपर है मैं मानता हूं वापस इनकी जो खरीदारी का लेवल है वो भी आ सकता है, और ऊपर की तरफ करीबन 450 का लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो सीधा 520 का लेवल इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली अगर इनका रिस्क एपेटाइट है तो बीएफ यूटिलिटीज होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 353 का लगाएंगे, क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करेंगे, 450 के ऊपर और ऐड करेंगे और 520 का टारगेट पकड़ के चलेंगे। दूसरा जो स्टॉक है इनका स्टील अथॉरिटी सेल अगर मैं देखता हूं तो इसमें भी उसको इसी तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बनाए लेकिन थोड़ा गिरावट बड़ा इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस अभी के लेवल से बहुत नजदीक है, मैं मानता हूं 92 ये एक अहम लेवल रहेगा, इसके नीचे गिरावट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 92 के लेवल के साथ स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करने की सलाह होगी। 107 108 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो वापस 120 122 के लक्ष्य इसमें आते हुए देख पाएंगे। चलिए तो लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए तेजवीर जी, जो केलकर जी ने आपको बताया 92 का स्टिक स्टॉप लॉस रखना है आपको सेल में, हो सकता है यहाँ बाउंस बैक दिखने मिले, और साथ ही साथ बीएफ यूटिलिटीज में तो बड़ी तेजी हो सकती है आने वाली।